एक बार की बात है, एक रहस्यमय जंगल में एक बहुत डरावनी चुड़ैल रहा करती थी जिसके पास ढेर सारी शक्तियाँ थी। वो अपने जादू से कुछ भी कर सकती थी। जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहने वाले लोग उस चुड़ैल से बहुत डरते थे। चुड़ैल हर रात को जंगल में घूमती थी और अपनी डरावनी आवाज में गाना गाया करती थी, जिसे सुनकर गाँव के लोग डर जाया करते थे। कुछ लोगों ने मिलकर एक तांत्रिक को गाँव में बुलाया था। बाबा जी, बाबा जी, अब हम गांव वालों की जिंदगी आपके हाथ में है, आप हमें उस डरावनी चुड़ैल से बचा ले। आप चिंता मत करें, मैं इस चुड़ैल को अपने वश में करके एक बोतल में बंद कर दूंगा और फिर उस बोतल को समंदर में फेंक दूंगा। तांत्रिक जंगल में उस चुड़ैल को ढूंढने जाता है। तभी चुड़ैल गाना गाती उस जंगल में घूमने लगती है। तांत्रिक की आहट जैसे ही चुड़ैल के कान में पहुंचती है, वैसे ही वो गाना गाना बंद कर देती है। ये कौन है जिसने मेरे जंगल में घुसने की हिम्मत की है? चुड़ैल उस तांत्रिक को मौजूद देख गुस्से में आ जाती है। ए तांत्रिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे जंगल में घुस आया? ए चुड़ैल, मैं तुझे यहाँ अपने वश में करने आया हूँ, मैं तुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। लेकिन तू अब डरेगा मेरी शक्तियाँ देखकर। चुड़ैल अपना जादुई मंत्र बोलती है और उस तांत्रिक को एक चींटी बना देती है। मुझसे कोई नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मैं ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। एक दिन गांव के किसी किसान का बकरा घूमते घूमते उस जंगल में चला जाता है। चुड़ैल रोज की तरह अपना गाना गाती हुई जंगल में घूम रही होती है, लेकिन तभी वो उस बकरे को जंगल में घूमते हुए देख लेती है। इस बकरे की इतनी हिम्मत जो ये मेरे जंगल में घुस आया, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। जैसे चुड़ैल अपनी शक्तियों से उस बकरे के ऊपर वार करने वाली होती है, तभी उसकी नजरें बकरे की मासूम आंखों पर जाती हैं। वो देखती है कि उस बकरे के सफेद फर है, जिससे चुड़ैल उस बकरे के प्रति मोहित हो जाती है। ये बकरा कितना प्यारा है, इसकी आंखें और फर भी कितने प्यारे हैं। यही बकरा मेरे अकेलेपन को दूर करेगा, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। चुड़ैल उस बकरे को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले जाती है और उसका ख्याल रखती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल ने जंगल में आना बंद कर दिया। सारे गांव वाले ये सोचकर खुश हो गए कि चुड़ैल ने वो जंगल छोड़ दिया। चुड़ैल और उसका बकरा हमेशा साथ साथ रहा करते थे और उसको अच्छी घास खिलाई करती थी। एक दिन जब चुड़ैल सो रही होती है, तो बकरा वहां से भागकर जंगल में घूमने लगता है। थोड़ी देर बाद जब चुड़ैल उठती है, तो उसे कहीं भी उसका बकरा नजर नहीं आता। मेरा बकरा कहाँ चला गया, मुझे उसे झोपड़ी के बाहर ढूंढना होगा। चुड़ैल उस बकरे को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे बकरा कहीं नहीं मिलता है। आखिर मेरा बकरा कहाँ चला गया, कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। अब मैं अकेली क्या करूंगी, मुझे उसे जंगल में भी ढूंढना होगा। चुड़ैल उस बकरे को जंगल में ढूंढने चली जाती है। थोड़ी देर जंगल में ढूंढने के बाद उसे एक बकरे की आवाज आती है। चुड़ैल जंगल के थोड़ा आगे जाती है, तो वो देखती है कि उसका बकरा आराम से जंगल में खेल रहा है। तो ये जाहिल बकरा यहाँ था, मैं इसे न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और ये कि यहाँ आराम से खेल रहा है। मैंने इसकी इतनी देखभाल की और ये मुझे ही छोड़कर चला गया। मैं इसे श्राप देती हूँ, इसके सफेद बाल अंधेरे जितने काले हो जाएंगे और इसकी मासूम आंखें डरावनी आंखों में बदल जाएंगी। कोई भी इसके डरावने रूप को देखकर इसके पास नहीं आएगा और ये भी मेरी तरह अकेला रह जाएगा। चुड़ैल के श्राप देने के बाद वो बकरा एक डरावना बकरा बन जाता है। चुड़ैल अपने बकरे को श्राप देने के बाद अपने आप को अपनी झोपड़ी में बंद कर देती है। अब वो श्रापित बकरा एक रात को गांव में घूमने आता है। सारे गांव वाले उसके रूप को देखकर डरने लगते हैं और उसे पत्थर मारकर भगाने लगते हैं। बकरा उस गांव वालों का डर देखकर बहुत उदास हो जाता है और वापस उस घने जंगल में चला जाता है। गांव वालों के बीच उस श्रापित बकरे को लेकर अफवाह फैल जाती है। हमें तो लगता है कि ये बकरा उसी चुड़ैल का भेजा हुआ है। वो चुड़ैल चाहती ही नहीं कि हम लोग शांति से जिए। पहले वो चुड़ैल, अब ये उसका डरावना बकरा इस जंगल में घूमता रहेगा। काफी सालों बाद एक सुमन नाम की शहरी लड़की सुकून की तलाश में उस गांव में ठहरने आ जाती है। सुमन बहुत ही बहादुर और साहसी लड़की थी। सुमन गांव में एक टेंट लगाकर अपनी सादगी से जिंदगी जीने लगती है। एक रात जब सुमन अपने टेंट के बाहर ठंडी हवा के उसे वहां कुछ चमकता हुआ नजर आता है। अरे, ये जंगल में वो क्या चमक रहा है, कहीं यहाँ भेड़िया तो नहीं है? इसका पता मैं कल गाँव के लोगों से करूंगी, अभी मैं जल्दी सो जाती।
सुमन सुबह जल्दी उठकर गांव वालों से पूछताछ करने निकल जाती है। नमस्ते अंकल जी, मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक। अंकल जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। अंकल, ये गांव के पास वाले उस घने जंगल में क्या है? मैंने कल रात को वहाँ कुछ चमकता हुआ देखा था, वो क्या था? बेटा, उस जंगल में कभी मत जाना, वहाँ एक बहुत डरावना श्रापित बकरा रहता है। माना जाता है कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी, जिससे सभी गांव वाले डरते थे। एक दिन वो चुड़ैल उस जंगल को छोड़ के चली गई, पर अपने पीछे एक श्रापित बकरे को भेज दिया। अब हर रात वो डरावना श्रापित बकरा आता है, तुम वहाँ नहीं जाना, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। सुमन को उस गांव वाले की बात अजीब लगती है, क्योंकि उसे श्राप, चुड़ैल और जादू वाली चीजों पर विश्वास नहीं था। फिर वो उस गांव वाले की बात सुनकर वापस अपने टेंट में आ जाती है। सुमन पूरे दिन उस गांव वाले की बातों के बारे में सोचती रहती है। मुझे उस गांव वाले की बात सुनकर जिज्ञासा उठ रही है। मुझे एक बार एक रात को उस जंगल में जाकर देखना होगा कि आखिर उस जंगल में है क्या। अगली रात को सुमन अपने हाथ में टॉर्च लिए उस जंगल में तलाश करने चली जाती है। आज तो मैं देख कर आऊंगी कि वो चमकदार चीज थी क्या। उस सुनसान जंगल में थोड़ी देर चलने के बाद सुमन को अपने पीछे से एक बकरे की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो डर जाती है, अपने हाथ से टॉर्च को गिरा देती है। ये क्या था? इतनी रात को बकरा यहाँ इस जंगल में क्या कर रहा है? सुमन पीछे मुड़कर देखती है और उसे वही चमकती हुई चीज दिखाई देती है। सुमन के डर के मारे सांस गहरी होती जाती है, लेकिन वो साहस दिखाती है और जमीन पर गिरी हुई अपनी टॉर्च को हाथ में उठाकर देखती है कि वहाँ कौन है। कौन है वहाँ? मेरे सामने आओ। सुमन अपने कदम थोड़े आगे बढ़ाती है और अपने सामने एक डरावना बकरा देखकर बहुत डर जाती है। आह, ये तो वही डरावना बकरा है जिसके बारे में वो अंकल बता रहे थे। सुमन फिर से साहस जुटाती है और उस बकरे के पास जाती है। सुमन अपना हाथ बढ़ाती है और बकरे के फर पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। बकरा सुमन की आंखों में उसके लिए दया देखकर उसके पास आकर बैठ जाता है। क्या तुम वही श्रापित बकरे हो जिसे चुड़ैल ने श्राप दिया था? मैं वही श्रापित और डरावना बदसूरत बकरा हूँ जिसे चुड़ैल ने श्राप दिया था। मैं चुड़ैल का सबसे प्यारा बकरा हुआ करता था। चुड़ैल मेरा बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन जब चुड़ैल सो रही थी, तो मैं यहाँ जंगल में थोड़ी देर घूमने आ गया था। चुड़ैल मुझे ढूंढती ढूंढती इस जंगल में आ गई और मुझे उसे अकेला छोड़ने की वजह से हमेशा के लिए श्राप दिया। सुमन उस बकरे की कहानी सुनकर भावुक हो जाती है। और मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, मैं तुम्हें इस श्राप से छुटकारा दिलाऊंगी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, बस तुम मुझे चुड़ैल के घर तक का रास्ता बताते जाओ, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? बकरा सुमन की बात मान लेता है, उसके साथ चुड़ैल को मिलने चला जाता है। भोर की पहली किरण के साथ वो और बकरा जंगल के बीचों बीच बूढ़ी चुड़ैल की झोपड़ी को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। सुमन और बकरे की यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी, उन्हें जंगल में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस पूरी कठिनाई भरी यात्रा में सुमन बकरे के साथ और बकरा सुमन के साथ खड़ा रहा। आखिरकार कई दिनों की खोज के बाद वे चुड़ैल की कुटिया पर पहुंचे। चुड़ैल की कुटिया के आगे वो बकरा जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। बकरे की आवाज सुनकर चुड़ैल खुश होकर अपनी कुटिया का दरवाजा खोल देती है। मेरा बकरा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दे, अब मैं तुझे कभी अपने से दूर नहीं करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इतने सालों तक इस कुटिया में बंद अकेले बिना अपने बकरे के कैसे रही हूँ, वो मैं सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आपका मेरे बकरे को यहाँ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये हृदय परिवर्तन देखकर मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि आप इस बकरे को श्राप से मुक्ति दिला दें। चुड़ैल जैसे ही अपना श्राप को मिटाने वाला मंत्र उस बकरे पर फेरती है, वैसे ही बकरा अपने पहले जैसे रूप में आ जाता है। वो फिर से एक सुंदर सफेद और मासूम आंखों वाला बकरा बन जाता है। उस दिन के बाद चुड़ैल, बकरा और सुमन सब खुशी खुशी रहने लगे।